उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने हर घर रोशनी हर घर दीपावली अभियान के तहत इस वर्ष भी दीपावली का उत्सव मनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के तहत उन्होंने अपने शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में स्थित दलित बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ मिलकर इस पर्व को विशेष बनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना है बल्कि उन्हें त्योहार की खुशियों का अनुभव कराना भी है। मंत्री नंदी ने मेडिकल चौराहे पर प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ मिलकर 7 लग्जरी बसों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इन बसों में सवार 380 बच्चों को लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क में एक पिकनिक के लिए भेजा गया है, जहां वे न केवल मस्ती करेंगे बल्कि 26 अक्टूबर को लूलू मॉल में दीपावली की खरीदारी का भी आनंद लेंगे। इस तरह के आयोजनों से बच्चों में उत्साह और उमंग का संचार होता है और यह उनके लिए एक यादगार अनुभव बनता है। इसके साथ ही इन 380 बच्चों के अलावा 410 अन्य बच्चों को भी वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से लखनऊ भेजा गया। बिल्कुल, हम लोग हर साल माननीय मंत्री जी जिस तरह से पूरी उत्साह के साथ इन बच्चों को लेके जाते हैं, पहले तो हम प्रयागराज में ही इनको कहीं ना कहीं लेके जाते थे और इनको शॉपिंग कराते थे, लेकिन दो बार से हम सब इनको लखनऊ लेके जाते हैं और इस बार भी हम इनको लखनऊ लेके जा रहे हैं। पिछली बार हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया के दिशा निर्देश में इनको लखनऊ लेके गए थे और इस बार वंदे भारत से ले जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वंदे भारत से मैं भी आज तक नहीं गई थी तो मुझे लगा इन बच्चों में भी बहुत उत्साह होगा वंदे भारत को देखने का, वंदे भारत से जाने का और उसके बाद लखनऊ जैसे शहर को घूमने का, आनंदी वाटर पार्क में इनको उत्साह से झूले पे घूमने का और शॉपिंग करने का कि दीपावली जैसा त्यौहार है जो एक बहुत चमक धमक का त्यौहार है, ये बच्चे भी सभी बच्चों की तरह और बच्चों की तरह अब नए कपड़े पहने, उन्हीं बच्चों की तरह शॉपिंग करें तो इनके अंदर भी मन में रहता है, इनके माता पिता को भी रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी उसी तरह जीवन यापन करें कि एक यादगार बन जाए इनके दिल में कि हमने भी और बच्चों की तरह अपने जीवन को जिया है, तो इनके अंदर कहीं कमी ना रह जाए, तो आगे इनके बढ़ने के लिए एक उत्साह रहेगा बहुत जीवन में, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको भी और ये आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है देश आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे, ये हमारा भविष्य है और हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा तो जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा, ऐसी सोच लेकर हम सब चल रहे हैं। मंत्री लखनऊ ले जा रहे हैं, बहुत खुशी है। हर बार जाते हैं आप लोग? पहली बार जा रहे हैं? जी पहली बार जा रहे हैं। जी कपड़े की शॉपिंग है। मंत्री नंदी ने इस अवसर पर कहा कि झुग्गी झोपड़ियों और दलित बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चेहरे पर खुशी देखना ही उनकी वास्तविक संतोषी शक्ति है। उनका यह प्रयास न केवल दिवाली के महत्व को रेखांकित करता है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के विकास और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा सबका साथ सबका विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो हर साल दीपावली पर हर घर रोशनी के तहत हमारी विधानसभा में रहने वाली 59 दलित बस्तियां हैं। दलित बस्ती के अलावा भी कुछ आते हैं ऐसे जहां पर लोग रहते हैं, हमने चिन्हित करके और उसका क्राइटेरिया ये नहीं रखा कि किसी की जान पहचान का हो, क्राइटेरिया ये देखा कि उसमें सबसे गरीब कौन व्यक्ति है जिसके घर न पुताई हुई है न रंगाई हुई है, तो उसके घर भी त्यौहार अच्छे से मने और बेहतरीन तरीके से, जैसे सिविल लाइन्स में रहने वाले बच्चे या अच्छी अच्छी जगह कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे दिवाली मनाते हैं, जाके शॉपिंग करते हैं, तो लूलू मॉल में हमने इनको शॉपिंग कराने के लिए और आनंदी वाटर पार्क रिजॉर्ट है, 5-स्टार कैटेगरी का रिजॉर्ट है, तो उसमें 2 रात 3 दिन का रुकने का प्रोग्राम और वो वाटर पार्क में झूले, वाटर पार्क में बहुत सारी सुविधाएं होती है, वो खेल कूद और लूलू मॉल में शॉपिंग और इनके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखा है। करीब 400 बच्चे बस से गए हैं और 450 बच्चे अभी ट्रेन से गए हैं। बच्चों से हमने बात किया, वो तो कहते हैं कि लूलू मॉल का सपना हमने नहीं देखा था, हमारे लिए तो नंदी भैया भगवान की तरीके। नहीं भैया, भगवान की तरीके नहीं है, मैं तो बस ये कहता हूँ कि हम जाके पैर न फाटे बेवाई वो क्या जा रहे पीर पराई, तो
तो हम भी ऐसी गरीब और दलित बस्ती में रहें तो मुझे लगता है कि खुशियां इनके साथ बांटे, हमें इतनी खुशी होती है इन बच्चों के साथ खुशियां बांटने में। मैं एक बार बस ऐसे ही घर से निकला था अपने बच्चों को कपड़े लेने के लिए, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे कूड़ा बिन रहे थे, तो मैंने देखा कि हम अपने बच्चों को कपड़े दिलाने जा रहे हैं और ये रोजी रोटी की तलाश में अभी भी कूड़े बिन रहे हैं। तो मैंने उस दिन से ये पहल शुरू की है और मैं बोलूँ हर दीपावली पे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बच्चे ऐसी बस्तियों से हैं कि उनको मयस्सर नहीं है और वो बार बार बस से नंदी भैया कर रहे हैं। नहीं यार, मैं और ये मेरा ख्याल है कि देश की पहली पहल आपने की है, आप कह सकते हैं, बट मेरे मन में तो हमेशा रहता है कि हम अच्छा करें। मानी हम लोगों की जो अभिभावक हैं राज्यपाल महोदय, उन्होंने कहा, तो मैंने बताया था, उनसे चर्चा की थी कि ऐसा हम करते हैं सिविल लाइन शॉपिंग मॉल में, तो बोले वो बच्चे अच्छी बसों में नहीं बैठे होंगे, अच्छी गाड़ियों में नहीं बैठे होंगे, तो इनको गाड़ियों से अच्छी बसों में यात्रा करानी चाहिए। तो हमें लगा वंदे भारत देश की सबसे टॉप ट्रेन है, उसमें बच्चों का सपना होता है, बड़े लोगों का भी सपना होता है वंदे भारत ट्रेन में पहुंच बैठे, तो मुझे लगा कि वंदे भारत ट्रेन से इनकी यात्रा करानी चाहिए।